नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिशें कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगारी साहब, देखते हैं कि हुकूमत क्या वाकई संजीदा है नवाज शरीफ को वापस लाने में, या फिर नवाज लीग पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो पीडीएम के लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बने। और दूसरा, इससे तजावीज़ की बात की जाती है तो कामरान साहब ने कहा कि जी वो तजावीज़ लेना कब चाहते हैं, लेकिन हुकूमती वुजरा जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो तजावीज़ मांगते हैं, ये हमारे से टेबल पर बैठते नहीं हैं। एक तो ये है कि इनके तजावीज मांगना और लोगों को टेबल पर बुलाने का जो अंदाज है वो तो बहुत ही मजाका खेल है। ये हुकूमत किसी सूरत में अपोजिशन को ना आन बोल लेना चाहती है, ना अपोजिशन से डायलॉग करना चाहती है, ना तजावीज मांगना चाहती है। इस हुकूमत ये एक काम करना चाहती है, अगर इससे हो सका तो अपनी नाकामियां जो है वो अपोजिशन के सर पहुंचे। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब के आने की है। इस हुकूमत ने इसलिए नहीं भेजा था कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए, इस हुकूमत ने उन्हें जेल में रखकर अपनी अंदाजा था कि उसके साथ क्या होगा। कुछ हुकूमत ऐसा लगता था कि हुकूमत जेल में पड़ी हुई है और नवाज शरीफ बाहर है, और उन्होंने जो है इनको भेजने के लिए हर तरह किया। इनके अपने वजीरों ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके मुशीरों ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया वजीरों ने कि भाई ये देखे ना इनको भेजे ना, तो इस तरह से तो उन्हें भेजा गया है मियाँ नवाज शरीफ साहब को। मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश जरूर थी कि वो चले जाएं, लेकिन भेजने के लिए बेताबी जो थी वो तो हुकूमत की बात थी, और हुकूमत खुद भेजना चाहती थी। अब हुकूमत को क्या हो गया कि वापस बुलाएगी? हुकूमत तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहती है, ना तो मियां नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं और ना ही हुकूमत उन्हें बुलाना चाहती है। दोनों अपने अपनी पोजिशन पर हैं, दोनों खुश हैं। ठीक है, तो ये जो लोगों के सामने तासुर दिया जाता है कि हुकूमत तो बुलाना चाहती है, हर हाल में बुलाना चाहती है, तो इसको फिर हम क्या कहें लगारी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते हैं। ये इस तरह का तासुर देते हैं, ये इस तरह की बार बार बातें करते हैं कि जी धोखा देकर भाग गए। धोखा किसने दिया? मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ डॉक्टर थे, उनके पास अपनी लेबोरेटरी थी, क्या उनकी लेबोरेटरी में चेकिंग हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ की बीमारियां क्या हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं? वो कह रहे थे कि जी बात नहीं कर पा रहे थे, कह रहे थे कि मेरे जो है वो प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो आपने चेकिंग तो आपने करनी थी, उनके उनकी जो लेबोरेटरी टेस्ट तो आपने करना था, और आपने कराया, आपके वजीरों ने कराया, आपके मुशीरों ने कराया। उनने टेस्ट करने के बाद फिर रोना शुरू कर दिया कि जी इनको भेजें, और इन्होंने भेजने में बहुत बेताबी दिखाई और उनको भेज दिया गया। और जिस दिन से भेजा तब से कह रहे हैं वापस लाते हैं, वापस लाते हैं, तो सिर्फ ढोल पीटना है, और हुकूमत ढोल पीट रही है कि हम वापस लाते हैं, लाना बिल्कुल नहीं चाहती है। हुकूमत की कोई इंटेंशन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को वापस ले। अगर वो आप वापस आते हैं और जेल में बैठा होंगे तो उनके लिए एक मसला होंगे, और वो अपने लिए मसला पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये हुकूमत का अपना एक इशू है, हुकूमत मसला पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए वो मियां नवाज शरीफ को बुलाना भी नहीं चाहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।